बलरामपुर के तेजवार गांव में धान के खेत में अलग जगह पर नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशव दीपक त्रिपाठी का कहना है कि जो कंकाल मिले हैं वो 3 लोगों के हैं जो काफी पुराने हैं। फिलहाल पुलिस टीम अपने स्तर पर जांच कर रही है, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी बारीकी से जांच में जुटी हुई है। यूपी बार एसोसिएशन का चुनावी बिगुल बजते ही फतेहपुर में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर होड़ लगी। चुनाव जीतने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में आदर्श अधिवक्ता संगठन ने अपना अध्यक्ष महामंत्री समेत कई पदों की घोषणा कर दी और चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मणि प्रकाश दुबे ने अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। हरिद्वार के मंगलोर में देर रात बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 5 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार मेरठ से रुड़की बारात में शामिल होने जा रहे थे, तभी दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलटी। कार में 8 लोग सवार थे, इनमें से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तुलसी भवन के सामने लिंक रोड निवासी सिद्धार्थ तिवारी ने गुरुवार रात 7 बजे के आसपास अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिद्धार्थ तिवारी आबकारी विभाग में जॉब करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि फांसी लगाने से पहले वो अपने परिवार के लोगों से फोन पर बात कर रहा था। सिद्धार्थ की मां बिलासपुर और पत्नी सतना गई थी, घर में वो अकेला था। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। कासगंज में ट्रांसफार्मर से झुलसे लाइनमैन की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गंज डुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के पलिया में हुई। दरअसल कुछ दिन पहले बिजली लाइन ठीक करते समय लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। लाइनमैन ब्रजेंद्र का दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कई दिनों से इलाज चल रहा था। शव लेकर परिवार वाले CSC पहुंचे और बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए परमजीत के पिता नानक सिंह अनशन पर बैठ गए। उनका कहना था कि उनकी रुकी हुई पेंशन चालू की जाए और उनके दूसरे बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SDM रविंद्र सिंह बिश ने नानक सिंह को आश्वासन दिया कि उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कर दी जाएगी और बेटे की नौकरी के लिए प्रशासन ने पत्र भेज दिया है। सक्ती जिले के अंतर्गत डबरा आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां 30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि डबरा आबकारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राधापुर निवासी दुलार सिंह पटेल भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रेखकर बेच रहा था, जहां आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त। कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदापुरम में नर्मदा नदी और तवा नदी के संगम स्थल पर बांद्रा भान मेले का आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने सूर्योदय होते ही घाट पर पूजा अर्चना की और दाल बाटी चूरमा बनाकर मां नर्मदा को भोग लगाया। 4 दिवसीय इस मेले में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन दान पुण्य करने का काफी महत्व माना गया है, इसलिए स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ घाटों पर देखी गई। कानपुर देहात में छात्रों को विज्ञान, गणित और खगोलीय विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष शिक्षा मिल रही है। मालसा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुरंदर में बच्चे वैज्ञानिक जानकारियां हासिल कर रहे हैं। ये सब संभव हुआ है स्पेस लैब के माध्यम से। हाल ही में कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी ने इस विद्यालय में स्पेस लैब का शुभारंभ किया, इससे बच्चों की उन्नत शिक्षा के द्वार खुले हैं। भोपाल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित शास्त्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाओ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार और ओरछा तक निकलेगी। इस यात्रा के माध्यम से जात पात के भेद को खत्म करने और कट्टर हिंदू बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बांटेंगे तो कटेंगे जैसे बयानों पर कहा कि हम भारतीयों को बंटना नहीं है। वही खबर उन्नाव से, जहां पूर्वा थाना क्षेत्र के मंगतखेड़ा गांव के रहने वाले एक छात्रा अपने पिता को खेत में खाना देने जा रही थी। इसी दौरान ढाबे के पास एक अज्ञात वाहन ने उसकी साइकिल पर जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेंदुखेड़ा पुलिस थाने में नेशनल हाईवे नंबर 45 पर सर्विस रोड पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक युवक का पैर कुचल गया, लेकिन थाने में पदस्थ ASI अंतराम चौरसिया से घायल शख्स के परिवार ने रिपोर्ट लिखाने की मांग की, लेकिन उन्होंने लिखी नहीं। तेंदुखेड़ा प्रेस क्लब के लोगों ने लापरवाह ASI अंतराम चौरसिया को सस्पेंड करने की मांग की।
पीलीभीत में दो बाइकों की टक्कर के चलते सड़क हादसे में चार लोग घायल हो गए। दोनों बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलसंडा पुवाया रोड पर तुलसा गैस एजेंसी के पास ये हादसा हुआ। खजूरिया निवासी मनीष और सत्यपाल मोहनपुर से अपने रिश्तेदार के घर से बिलसंडा की तरफ जा रहे थे। रानीखेत में पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर एमसी पंत की स्मृति में हिल फाउंडेशन तथा लखनऊ कैंसर संस्थान द्वारा नगर के छावनी परिषद के बहुउद्देश्यीय भवन में निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। शिविर में 150 से अधिक रोगियों का परीक्षण हुआ। रोगियों को निःशुल्क दवाएं और चश्मों का वितरण किया गया। शिविर में कैंसर रोग, हड्डी, दांत, ENT, स्त्री रोग और नेत्र रोग संबंधित चिकित्सक पहुंचे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पति पत्नी के बीच हुए विवाद का ये मामला। पत्नी ने मायके वालों को दिए गए 3,300 रुपए 3 महीने तक वापस नहीं लाने को लेकर दोनों में आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा कि पैसों की चाहत में पत्नी के सामने ही पति ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिस वक्त अस्पताल में भर्ती। मसूरी में झड़ी पानी। कोलूखेत शॉर्टकट मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार दो युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। युवती की हालत काफी गंभीर है, जिसे हायर सेंटर भेजा गया। बताया जा रहा है कि कार के ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है। दोनों देहरादून से मसूरी आ रहे थे, कार का ब्रेक फेल हो गया। जबलपुर में कार्तिक मास की पूर्णिमा के मौके पर मां नर्मदा के घाटों पर आस्था का मेला लगा और ऐसा ही नजारा आज मां नर्मदा के गौरी घाट पर देखने को मिला। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन और स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। कोई अपने सर पर तो कोई अपने हाथों से झूला झूलाते हुए कान्हा की मूर्ति लेकर नजर आया। अलीगढ़ के थाना टप्पल में राजकीय हाई स्कूल समरौठी में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पंख पोर्टल और कैरियर हब का शुभारंभ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की पंख पोर्टल योजना को लेकर जानकारी दी गई। कैरियर मेले में कक्षा 9 से 10 तक की छात्र छात्राओं और सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की सभी टीचर्स ने सहयोग किया। डिंडोरी के बिरसा मुंडा कॉलोनी स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर उन्हें याद किया गया। 150वीं जयंती मनाई गई, जिसमें शासन प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को भी देखा गया। हजारों की संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग आदिवासी संस्कृति पर प्रस्तुति देते नजर आए। बालिकाओं ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। दरियाबंद में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर काफी उत्साह दिखा। देवभोग अंचल के लोगों ने तेल नदी में सपरिवार पुण्य स्नान कर नदी घाट में वो पहुंचे थे। हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हुए कई ग्रामीण कीर्तन मंडलियों के साथ पूरा जत्था लेकर पुण्य स्नान के लिए नदी पहुंचे। रेत से शिवालय बनाया तो कोई केले के छिलके में दीपदान करता नजर आया। इंदौर के बिलावली क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस और गोदामों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की, जिसमें SDM घनश्याम धनगर की मौजूदगी में जिला और निगम प्रशासन कामला मौके पर पहुंचा और ताबड़तोड़ कार्रवाई की। प्रशासन ने अवैध निर्माणकर्ता हनी पति सोनू छाबड़ा को पहले 24 घंटे का समय दिया था ताकि वो अपना सामान और निर्माण हटा ले, लेकिन जब उन्होंने अपनी संपत्ति नहीं हटाई तो फिर अकलतरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 49 के तरोद मोड़ के पास आइसक्रीम की गाड़ी को जांजगीर से आ रहे कैप्सूल वाहन ने जबरदस्त ठोकर मार दी। गाड़ी के हादसे में परखच्चे उड़ गए। 14 नवंबर को लगभग 8:30 बजे जांजगीर जाने वाले राजमार्ग पर विनोद कुमार शिव शक्ति आइसक्रीम की गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी जांजगीर की ओर से आ रहे एक वाहन ने सीधे गाड़ी में टक्कर मार दी। लहार में युवक से मोबाइल और 16,000 कैश लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे आरोपी को श्यामपुर गांव के पास रहोली उबरी गेट के रोड पर पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट में इस्तेमाल 315 बोर का कट्टा भी बरामद किया। कांकेर पुलिस ने चाकू लेकर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मोमोज खाने की बात को लेकर नया बस स्टैंड में मारपीट और गाली गलौज करने के बाद चाकू से हमला किया था। इससे पहले भी आरोपी महेश यादव चोरी के केस में जेल जा चुका है। तीनों आरोपियों को कांकेर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। बुंदेलखंड के महोबा जिले के जैतपुर कस्बे में कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर कंस वध के साथ एक दिवसीय मेले का समापन हुआ। जैतपुर में पटवा मेले के नाम से मशहूर कंस मेले का आयोजन कई सालों से होता आ रहा है। इसमें कंस वध देखने के लिए कई गांव से हजारों लोग यहां पर हर साल जुटते हैं। शुक्रवार को शाम करीब 5:30 बजे सूरज ढलते ही भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदाव के साथ कंस के पुतले का वध लीला का आयोजन किया गया।
वहीं दुर्ग में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री पिछले 4 महीने से संचालित हो रही थी। इस फैक्ट्री में स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और दूसरे तेलों को मिलाकर नकली और घटिया पनीर बनाया जा रहा था, फिर इसे बाजार में बेचा जाता था। पिछले कुछ दिनों से लगातार खाद्य विभाग को इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने फैक्ट्री पहुंचकर छापेमारी की। गाली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड को गैर हिंदू मुक्त बनाने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारा देवालय है, यहाँ किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सनातन को मिटाने की कोशिश की जा रही है और देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इससे काली सेना ने यह फैसला लिया है कि हिंदुत्व के लिए वो काम करेंगे। खरगोन के करी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता को मेडिकल और डीएनए जांच के लिए 2 दिनों में 3 अलग अलग अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ा। दरअसल पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग अपर्ता को सकुशल बरामद किया, लेकिन कहीं संसाधनों की कमी तो कहीं उच्च अधिकारियों के आदेश का हवाला देकर पीड़िता का परीक्षण नहीं किया गया। जनजातीय गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रदेश भर में आयोजन हुए शेड्यूल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह सहित स्थानीय विधायक जिसमें शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने छिंदवाड़ा और जबलपुर के जनजातीय संग्रहालय का वर्चुअल लोकार्पण किया। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उपचुनाव के सिलसिले में देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में एडीजी ने विशेष बैठक की। एडीजी राज्य पुलिस निर्वाचन नोडल अधिकारी भी। एडीजी का कहना है कि पुलिस ने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान को पूरा बना लिया है और इसी के तहत केदारनाथ विधानसभा को 2 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा गया है। हमीरपुर में बुजुर्ग अपने आप को जीवित साबित करने के लिए दर दर भटक रहा है। दरअसल हमीरपुर के मीरापुर में रहने वाले एक बुजुर्ग की विभाग ने वृद्धा पेंशन बंद कर उसे मृत घोषित कर दिया। 70 साल के बुजुर्ग को सरकारी अभिलेखों में पिछले 7 सालों से मृत दर्शाया गया है और 7 सालों से वो खुद के जिंदा होने के सबूत लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। बानपुर ग्राम पंचायत के केकड़िया गांव में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनी शर्मा और जनजातीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विनी शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने क्रांति की अलग जगाई। कोरबा में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी गई। बाकी मोगरा निवासी नाबालिग बालिका को उसके प्रेमी ने मिलने बुलाया और घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने उसका एक अश्लील वीडियो भी बनाया और वायरल करने की धमकी देकर भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। लड़की के परिवार वालों ने इसकी शिकायत थाने में की। मध्य प्रदेश में प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अरेरा कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और सभी लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने समाज को जो दिशा दिखाई उस पर हम चल रहे हैं। वीडी शर्मा ने बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर कहा कि आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। देहरादून में निजी स्कूल के परिसर में मजार निर्माण के मामले में एसएसपी अजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने इसकी जांच की और जांच में कोई नया निर्माण होना तो नहीं पाया गया, लेकिन पुराने निर्माण को ही दुरुस्त किया जा रहा था, लेकिन जो निर्माण था वो लीगल नहीं था, इसलिए प्रशासन ने स्कूल परिसर के निर्माण को हटा दिया। इंदौर में धूमधाम के साथ जैन समाज का भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जैन समाज के सिद्ध चक्र मंडल विधान के तहत 108 रथ की सामूहिक रथ यात्रा निकाली गई। इस भव्य आयोजन में हजारों की संख्या में जैन धर्म के लोग शामिल हुए। बता दें कि इंदौर के विजयनगर में जैन समाज का 8 दिवसीय आयोजन चल रहा है, जिसमें ये चल समारोह निकाला गया। उधमसिंह नगर में परमानेंट नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बीते 12 नवंबर को बुधवार को उधमसिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र को जनसमस्या सुनने के दौरान एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने परमानेंट जॉब लगाने के लिए युवती और उसकी सहेली से तकरीबन 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। बीते दिन 14 नवंबर से पूरे प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू करवा दी गई है और इसी क्रम में खैरागढ़ जिले में भी किसान की उपज खरीदने का काम जिला प्रशासन के द्वारा समितियों के जरिए किया जा रहा है। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित अमली डी कला धान खरीदी केंद्र में दोपहर से आगजनी की घटना हुई और धान खरीदी केंद्र में रखे लगभग 9,000 बारदाने जल गए।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के लिए जनसभा की। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग वही हैं जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। वहीं सीएम ने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो लगातार विकास कर रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग। मध्य प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में हवाओं के रुख से ठंड और बढ़ेगी। रात होते ही कई जिलों का पारा नीचे लुढ़क रहा है। पचमढ़ी में तापमान 8.8 डिग्री पर पहुंच गया। प्रदेश में 15 नवंबर के बाद से कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा जबकि भोपाल और इंदौर में भी पारा लुढ़का है। देहरादून में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बड़ा कि मामला सांप्रदायिक रूप लेने लगा। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत की है। मामला थाना पटेल नगर क्षेत्र का, जहां पर एक पक्ष ने पटेल नगर थाने में शिकायत की जबकि दूसरे पक्ष ने वसंत विहार थाने में पहुंचकर अपनी बात कही। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। गरियाबंद में एक युवक ने शादी का प्रलोभन देकर युवती का शारीरिक शोषण किया। ये मामला अमली पदर थाने का। आरोपी युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, बाद में रिश्ता तोड़ लिया। लगातार 3 महीने तक शारीरिक शोषण की शिकार हुई युवती ने थाने में युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस पर अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री जमुई से वर्चुअली जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में धरती आवाज जनजाति योजना शुरू की जाएगी। आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार दिया जाएगा। वही भानपुरा में अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही किसानों ने लेदी चौराहे पर चक्का जाम भी किया। किसानों का कहना है कि 15 दिन से बार बार बिजली कटौती होने के कारण खेतों में समय से पानी नहीं दे पा रहे, जिसके कारण खेतों में बोया गया लहसुन का बीज खराब होने का डर बना हुआ है। राजधानी देहरादून में सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए उन सभी में कहीं पर भी ओवर स्पीड नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि आखिरी के 5 से 7 मीटर की दूरी में गाड़ी काफी तेज रही। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार वालों से बातचीत के बाद ये लग रहा है कि बच्चों ने पार्टी जरूर की, पर अभी ड्रिंक को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। मजली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम सदन में अभी 249 पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी को केवल 118 पार्षदों के वोट मिले। इसका सीधा मतलब है कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली नगर निगम में चुने हुए पार्षदों का बहुमत नहीं। सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में जहां गंज बुंडवारा विकासखंड की ग्राम सुजावलपुर में गलघोटू यानी कि डिप्थीरिया बीमारी से 2 मासूम बच्चों की मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया। स्वास्थ्य अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुजालपुर गांव में पहुंचकर 25 परिवार के 182 सदस्यों को दवा वितरण किया। नर्मदा उत्तर तट पर बसे ग्राम रेऊ गांव में शुक्रवार को महर्षि उत्तम स्वामी संस्थान द्वारा नवनिर्मित सेवा सदन का लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत और उद्योगपति कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री श्री 108 महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी, माँ कनकेश्वरी देवी और महामंडलेश्वर राम गोपाल जी छोटे सरकार पहुंचे थे। प्रतापगढ़ में कैब चालक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। सुल्तानपुर के 3 युवकों ने लूट के इरादे से हत्या कर दी थी। बस से तीनों लखनऊ पहुंचकर कार को बुक करके निकले और उसके बाद बेड से गला दबाकर पहले तो ड्राइवर की हत्या कर दी और फिर शव को झाड़ी में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भेपिया मऊ से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया।